दोस्तों, क्या आप थायराइड की दवा ले रहे हैं पर फिर भी आपका थायराइड फंक्शन टेस्ट नॉर्मल नहीं आ पा रहा है? डॉक्टर ने आपकी मेडिसिन का डोज भी बढ़ाया है पर फिर भी आपका थायराइड नॉर्मल नहीं हो पा रहा है? तो हो सकता है कि आप थायराइड की दवा सही तरीके से नहीं ले रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि थायराइड की दवाई सुबह लें या रात में लें, पानी से लें या चाय के साथ? अगर डोज मिस हो गई है तो क्या करना है? अगर ये सारे सवाल आपके मन में भी हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। इसे अंत तक देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर देवांशु गुप्ता डायडॉक हेल्थ पर आपका स्वागत करता हूं। ऐसी और हेल्थ रिलेटेड जानकारी के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें। दोस्तों, थायराइड की बीमारी आजकल काफी कॉमन हो गई है और इसमें भी हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब थायराइड हार्मोन की कमी तो बहुत ज़्यादा लोगों में मिलने लगी है। पर अच्छी बात यह है कि इसे दवाओं से कंट्रोल किया जा सकता है, परंतु इसके लिए दी गई दवा को लेने का सही तरीका पता होना चाहिए। हाइपोथायरॉयडिज्म के इलाज के लिए डॉक्टर आपको लिवोथायरोसिन हार्मोन टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं। इस दवा को आप कभी भी और कैसे भी नहीं ले सकते। इस दवा को लेने का एक सही तरीका है और एक सही समय भी, और ये दवा तभी असर करती है जब इसे सही तरीके से लिया जाए। लिवोथायरोक्सिन बाजार में कई स्ट्रेंथ में उपलब्ध होती है। इसे डॉक्टर द्वारा बताए गए डोज में ही लेना है। आपके थायराइड फंक्शन की जाँच समय समय पर कराई जाती है और इस जाँच के अनुसार दवा का डोज एडजस्ट किया जाता है। इस दवा को आइडियली सुबह सुबह खाली पेट लेना चाहिए, यानी उठते ही सबसे पहले आपको ये दवा लेनी है। इसके बाद ही आपको अपना कोई और काम करना है। इस दवा को लेने के एक घंटे बाद तक भी आपको कुछ नहीं खाना है, ना ही कुछ पीना है और ना ही कोई और दवा लेनी है। बहुत सी दवाएं जैसे कि आयरन है, कैल्शियम है, एसिडिटी के लिए ली जाने वाली दवाएं जैसे के लिए ओमिप्रोजोल हो गई, पेंट्रोप्रोजोल हो गई, रेनिटिडिन, दिल की धड़कन को रेगुलर करने वाली दवाएं जैसे कि अमायोडरोन, खून पतला करने की दवाएं जैसे कि वॉरफेरिन, मिर्गी की दवाएं जैसे कि कार्बामाज़ेपिन, फिनोबार्बिटॉल, फेनिटोइन, डिप्रेशन और एंग्जाइटी के लिए ली जाने वाली दवाएं जैसे कि सर्टालिन, हार्ट की दवाएं जैसे कि डिजॉक्सिन, मीट्रोप्रोलॉल, प्रोपेनोलॉल, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव या गर्भ निरोधक दवाइयाँ, इंसुलिन और दूसरी डायबिटीज की दवाइयाँ, एचआईवी की दवाइयाँ जैसे कि अटाजानावीर, इंडिनावीर, रिटोनावीर, सेक्यूनावीर, लिवर की दवाइयाँ जैसे कि कोलिस्टायरामीन लिवोथायरोक्सिन के एब्जॉर्प्शन को रोकती हैं। इसलिए थायराइड की दवा और इन दवाओं के बीच में कम से कम 4 घंटे का अंतराल होना जरूरी है। थायराइड की दवा आपको पूरी टैबलेट निकल कर लेनी है सादे पानी के साथ, ना तो इसे तोड़ना है ना ही इसे चबाना है। इसलिए हमारी राय ये कि आप ये दवा अपने बेड के पास रखें और सुबह जागने के बाद सबसे पहले ये दवा लें। कोशिश करें मेडिसिन लेने का रोज टाइम सेम हो। कॉफ़ी और सोयाबीन भी इस दवा के एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं, इसलिए सुबह की कॉफ़ी या चाय भी दवा लेने के या तो घंटे भर पहले पिए या 2 घंटे बाद ही पिए। इस दवा को शुरू करने के बाद इसका असर आने में कम से कम 6 से 8 हफ्तों का समय लगता है। इस दवा को रोज लेना है और इसे बिना डॉक्टर की राय के कभी बंद नहीं करना है। यहाँ तक कि इसका ब्रांड भी आप बिना डॉक्टर की राय के ना बदलें, क्योंकि सब ब्रांड्स का समान असर नहीं होता है। जब आप इस दवा को खरीदें तो ध्यान रखें कि इसकी एक्सपायरी डेट आपको ज़रूर चेक करनी है, क्योंकि इसकी शीशी में करीबन 100 टैबलेट्स आती हैं और ये करीब आपको 3.5 महीना चलेंगी। तो अगर आप ऐसी बॉटल खरीद लेंगे जिसकी एक्सपायरी डेट 1 महीने बाद है तो आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। बहुत से लोग नाइट शिफ्ट्स में काम करते हैं और उन्हें ये प्रॉब्लम रहती है कि वो सुबह उठ नहीं पाते। ऐसे लोग इस टैबलेट को शाम को या डिनर के बाद भी ले सकते हैं, पर ध्यान ही रखना है कि लास्ट मील के 4 घंटे बाद इसे लेना है और इस दवा को लेने के बाद 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। पर आपको इस दवाई को शाम को लेना चाहिए या नहीं, यह भी आप अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें। इस तरह खाली पेट लिवोथायरोक्सिन टैबलेट लेने से दवा का एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। इस दवा को स्टोर करना भी आसान है। इसे डायरेक्ट धूप और नमी से बचाएं, किचन या बाथरूम जैसी जगह पर ना रखें और बच्चों और पेट्स की पहुंच से दूर रखें।
अगर कभी आप इसका कोई डोज मिस कर देते हैं तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। एक या दो बार इसका डोज अगर मिस हो जाए तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप नेक्स्ट डोज नियत समय पर लें, डबल डोज लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन का असर लंबे समय तक रहता है और कभी कभार डोज मिस करने पर शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन के लेवल पर खास असर नहीं पड़ता है। चिंता की बात तब हो जाती है जब आप हर थोड़े दिन में डोज मिस करने लगते हैं। ऐसा होने पर शरीर में थायरोक्सिन के लेवल पर असर होने लगता है। इस दवा को कई लोग अल्टरनेट दिन भी लेते हैं, पर यह रिकमेंडेड नहीं है। आपको हर रोज डॉक्टर द्वारा बताए गए डोज में यह दवा लेनी है। इस दवाई को लेते समय रेगुलर चेकअप करके थायराइड हार्मोन का लेवल भी चेक कराना होता है। अगर किसी डोज पर आपका थायराइड हार्मोन का लेवल नॉर्मल आ गया है तो आपको उसी डोज को लेना है, पर अगर उस डोज पर थायराइड हार्मोन का लेवल अभी भी कम आ रहा है तो डॉक्टर दवा का डोज बढ़ा सकते हैं। ये दवा आपको लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ सकती है, पर यह सोचकर चिंतित ना हो। अगर कोई छोटी सी गोली रोज लेने से आपके शरीर में थायराइड हार्मोन नॉर्मल हो जाता है और आपको आपके लक्षणों से आराम मिलता है तो ये घाटे का सौदा नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म की दवाओं की। इस बीमारी में थायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है और उसके लक्षणों को ठीक करने के लिए रेडियो एक्टिव आयोडीन, मेथिमिजोल, प्रोपाइल थायरोसिल और बीटा ब्लॉकर जैसी दवाओं की जरूरत पड़ती है, और ये दवाएं भी डॉक्टर द्वारा बताए गए डोज में ही लेनी है और बिना डॉक्टर की सलाह के कभी बंद नहीं करनी है। परंतु रेडियो एक्टिव आयोडीन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में अवॉइड की जाती है और मिथिमिजोल, प्रोपाइल थायरोसिल और बीटा ब्लॉकर जैसी मेडिसिन को ही प्रेफर किया जाता है। इन मेडिसिन को भी आपको रेगुलर सेम टाइम पर ही लेना होता है। दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो देखकर आपको थायराइड की गोली कब लेनी है, कैसे लेनी है, यह सारे भ्रम क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि थायराइड की बीमारी के लक्षण कैसे होते हैं ताकि उसे आप जल्दी आइडेंटिफाई कर सकें और आपका इलाज समय से शुरू हो सके, तो आप राइट में दिए गए वीडियो को क्लिक करें। इसके अलावा भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों से संपर्क करने के लिए आप ऊपर दिए गए फ़ोन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड यूजफुल, ऑथेंटिक, रिलायबल इन्फॉर्मेशन के लिए कृपया हमारा यूट्यूब चैनल द डॉक्टर सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।